वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं LG AC का, यहाँ पर देखिए कूलिंग नहीं हो रहा था और इसमें प्रॉब्लम ये था। आपको आउटडोर यूनिट में दिखा देता हूं। यहां पर देखिए LG का आउटडोर यूनिट लगा हुआ है और इसमें जो है हम लोगों ने दो दिन पहले प्रेशर होल्ड किया था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर जो है ड्रॉप होते चले जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आउटडोर यूनिट में लीकेज है, लेकिन आउटडोर यूनिट में जो कंडेंसर है हमारा वो एल्युमिनियम कॉयल है। तो यहाँ पर देखिए अंदर साइड में, ठीक है, तो ये जो है एल्युमिनियम कॉयल है। अब इसको हम लोग निकालेंगे और इसमें जो है कॉपर कॉयल डालेंगे। चलिए अभी फिलहाल जो है आउटडोर यूनिट को निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, तो इसमें से प्रेशर पूरा उड़ाते हैं और आउटडोर यूनिट को बाहर निकालते हैं, फिर उसके बाद एल्युमिनियम को निकाल करके हम लोग कॉपर चेंज करेंगे। तो फाइनली गाइज यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों ने पाइप जो है डिस्कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और हमारे नट बोल्ट भी सारे खुल चुके हैं। उधर का नट बोल्ट खोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, लेकिन ठीक है, खुल गया है। अभी हम लोग आउटडोर यूनिट लेकर के जाएंगे बाहर और वहाँ पर जो है एल्युमिनियम को चेंज करेंगे और कॉपर लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा आउटडोर यूनिट निकल चुका है और ये जो है एल्युमिनियम कॉयल है। ठीक है, इसी एल्युमिनियम में लीकेज हुआ था तो ये तो रिपेयरिंग होता नहीं है, इसके लिए हम लोग न्यू जो है कंडेंसर कॉयल लेकर के आए हैं, वो भी कॉपर में। तो यहाँ पे देखिए हमारा न्यू कंडेंसर कॉयल कॉपर में। ठीक है, तो एल्युमिनियम कॉयल हम लोग निकाल देंगे बाहर और कॉपर कॉयल जो है उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके बॉडी को हम लोग अच्छे तरीके से खोल लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने ये बॉडी पूरा खोल लिया है AC का। ठीक है, अब ये जो पाइप है इसको हम लोग कटिंग कर देंगे, यहाँ से कटिंग कर देंगे और एक यहाँ से कटिंग कर देंगे, तो ये हमारा एल्युमिनियम कॉयल वो बाहर निकल जाएगा। चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं पहले। तो गाइस फाइनली यहाँ पे देखिए ये कट चुका है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये देखिए अलग हो चुका है। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग का एल्युमिनियम पूरा खुल चुका है और इसको जो है अब हम लोग ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अभी देखिए खाली इसमें फ़ैन बचा है, कंप्रेसर बचा है, कैपेसिटर बचा है, बस यही सब इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे इसमें कॉपर कॉयल। एल्युमिनियम तो हमारा निकल के यहाँ पे देखिए बाहर रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा कॉपर कॉयल है। अभी भी आप कॉपर कॉयल लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है हमेशा इस कंडेंसर में प्रेशर जो है भरा हुआ होता है, मतलब कि अगर कभी भी कंडेंसर ख़रीदने के लिए जाएंगे और लेकर के आएंगे तो इसमें जो है प्रेशर देता है। ठीक है, प्रेशर इसलिए देता है कि मान लो कहीं ट्रांसपोर्टिंग में कहीं के लीकेज तो नहीं हो गया, ट्रांसपोर्टिंग में कहीं जो है गिर जाता है या कहीं एक दूसरे के ऊपर जो है रहता है तो उसकी वजह से हो सकता है लीकेज हो जाए, तो इसके लिए इसमें जो है प्रेशर देता है। अगर इसमें से प्रेशर निकलता है तो समझ जाइए कि हमारे कंडेंसर में जो है लीकेज नहीं है। ठीक है, अगर प्रेशर नहीं निकलता है तो हमें डाउट रहता है कि पता नहीं इसमें लीकेज है या नहीं है, ये थोड़ा डाउट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग तोड़ के देखते हैं कि इसमें प्रेशर है कि नहीं है। तो इसको जो है देखते हैं आवाज़ आता है या नहीं आता है। ये देखिए प्रेशर आया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें प्रेशर है। ठीक है, इसमें प्रेशर आ रहा है तो मतलब कि ये कंडेंसर जो है लीकेज नहीं हुआ है। ठीक है, तब इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे और कटिंग करके इसमें लगा देंगे। तो चलिए इसको भी लगा देते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी जो हमारा कंडेंसर यूनिट था उसका पाइप हम लोगों ने इसमें लगा लिया है और उसी तरीके से नीचे का भी हमारा जो आउट करता है वो भी हम लोगों ने इसमें लगा लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रीजिंग करेंगे और ब्रीजिंग दोनों जब ब्रीजिंग हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग लीक टेस्टिंग करेंगे कि हमारा प्रॉपर तरीके से लीकेज है यहाँ पर या नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर लीकेज नहीं रहेगा तो उसके बाद बॉडी पैक करेंगे और बॉडी पैक करके हम लोग ले जा करके वापस लगा करके गैस चार्जिंग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको ब्रीजिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस। जहाँ जहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था वहाँ पे होल मार देंगे, जैसे यहाँ पे एक स्क्रू था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ड्रिल मशीन से पहले होल कर लेंगे। कर लिए हम लोगों ने, और कभी भी अगर आप पाना निकाले ना ड्रिल मशीन से तो इतना ही निकालना है, नहीं तो अगर ज़्यादा लंबा कर देंगे ना तो जा करके कॉयल में ही लग जाएगा। ठीक है, तो उतना ही निकालिए जितना आपको ज़रूरत हो। तो अभी हम इसको साइड में करते हैं और यहाँ पर एक स्क्रू जो है टाइट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए एक स्क्रू है और इसको यहाँ से ऐसे टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो है जॉइंट हो चुका है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रीजिंग हो गया है और उसके बाद यहाँ पर भी हमारा ब्रीजिंग हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ भी हो गया और ऊपर भी हो गया। तो अभी हमारा कंडेंसर प्रॉपर तरीके से लग चुका है, यहाँ पे भी स्क्रू दे दिया है और उस साइड में भी स्क्रू दे दिया है। अब जहाँ जहाँ पे स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग जो है ड्रिल मशीन से होल करके स्क्रू दे देंगे। बाकी जो है जिस तरीके से वायरिंग लगा था उसी तरीके से वायरिंग और जो भी हम लोगों ने पतरा खोला है वो सब हम लोग फिटिंग कर लेंगे और फिटिंग करके वापस उसी जगह पे लगा देंगे जहाँ पे ये लगा हुआ था, ठीक है। क्योंकि प्रेशर जो है वो अभी हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे आउटडोर यूनिट लगा हुआ था वहाँ पे हम लोग रख लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग पूरे एसी में प्रेशर होल्ड करेंगे और उसके बाद हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ पे लीकेज है या नहीं है। मेरे हिसाब से जो ब्रीजिंग हुआ है यहाँ पे लीकेज नहीं है और ना यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, दोनों जगह पे लीकेज नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसके पतरे को अभी हम लोग पूरा पैकिंग कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए अभी जो है हमारा एल्युमिनियम कंडेंसर जो है बाहर आ चुका है और हम लोगों ने जो न्यू कंडेंसर लेके आया था जो कि कॉपर कॉयल का था वो हम लोगों ने अंदर में लगा दिया है, ठीक है। और अभी हमारा पूरा जो है पैकिंग हो चुका है, आपको पूरा आगे से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा पैक हो चुका है और यहाँ पे आपको कंडेंसर भी दिखा देता हूँ यहाँ पे पीछे से। यहाँ पे देखिए हमारा पूरा अच्छे तरीके से लग चुका है, ठीक है गाइस। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एल्युमिनियम कंडेंसर को चेंज करते हैं और उस जगह पे कॉपर कॉयल का कंडेंसर लगाते हैं, ठीक है गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।